हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस कुमार फ्रॉम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीकर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोलिक क्लच के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये हाइड्रोलिक क्लच आपका जो है किस टाइप से वर्क करता है, उनकी वर्किंग क्या है और क्या होते हैं हाइड्रोलिक क्लच। अब देखिए, जो भी क्लच है ना फ्लूइड की हेल्प से, यानी हाइड्रोलिक फ्लूइड की हेल्प से अगर ऑपरेट हो रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोलिक क्लच। ठीक है, इनके कंपोनेंट्स और ये किस टाइप से वर्क करते हैं आगे हम देख रहे हैं। देखिए, इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे ऑयल रिजर्वायर है, फिर पंप है, एक्यूमुलेटर है, और कंट्रोल वाल्व हो गए, सिलेंडर हो गए, और टू क्लच मीन्स इसके बाद जो होगा क्लच का जो नॉर्मली कनेक्शन अपना चलते आ रहा है पहले से, वही रहेगा। ठीक है, बस ऑपरेट जो होंगे ये क्लच, और किसके बेस पे हो जाएंगे, फ्लूइड के बेस पे। ठीक है, तो इसलिए हम इसे हाइड्रोलिक क्लच ही बोलते हैं। अब देखिए, इनकी जो वर्किंग है वो देख लेते हैं अपन, वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक क्लच। ठीक है, ऑयल इज पम्प टू द एक्यूमुलेटर फ्रॉम द रिजर्वायर थ्रू अ पंप बाय एन इंजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, नॉर्मली ऑयल रिजर्वायर से पम्प होके कहाँ पे जाएगा, एक्यूमुलेटर के पास। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है, द कनेक्शन बिटवीन द एक्यूमुलेटर एंड सिलेंडर टेक प्लेस बाय कंट्रोल वॉल्व। अब इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा, एक्यूमुलेटर और दूसरा सिलेंडर के बीच में, है ना, वो किसके थ्रू होगा, कंट्रोल वॉल्व के थ्रू। नेक्स्ट वन, द इंजन ऑफ व्हीकल ऑपरेट द पंप, अ स्विच कंट्रोल द वॉल्व, अपार्ट फ्रॉम दैट लिंकेज मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय इंजीनियर्स टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन पिस्टन एंड क्लच। द ड्राइवर ऑफ व्हीकल पास द गियर लीवर ऑफ व्हीकल एंड ओपन्स द स्विच टू द वॉल्व टू एनेबल द ऑयल फ्लो। ड्यू टू प्रेशर ऑफ ऑयल द पिस्टन ऑफ द व्हीकल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दैट लीड्स द क्लच इज इंगेज्ड एंड डिसंगेज। इनकी वर्किंग हम सही से समझ लेते हैं। फर्स्ट क्या होगा आपका, ऑयल रिजर्वायर है। ये ऑयल रिजर्वायर हम क्यों लगा रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होंगे, है ना, ऑयल की रिक्वायरमेंट होंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑयल रिजर्वायर लगेंगे। ठीक है, जहाँ पे अगर इसकी कमी होगी तो यहाँ से इसकी पूर्ति हो जाएगी इजीली। ठीक है, अब पंप के थ्रू ये कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर के पास। ठीक है, आपका फ्लूइड, अब वो जो फ्लूइड है एक्यूमुलेटर से कनेक्टेड किससे होगा, एक्यूमुलेटर टू कंट्रोल वॉल्व, और ये रिजर्वायर से भी कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब कंट्रोल वॉल्व दोनों काम कर लेंगे। कंट्रोल वॉल्व अगर प्रेशर ये दोनों चीज़ मेंटेन करने का काम करेगा, ज़्यादा होगा तो वो, या कम ज़्यादा करने का काम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, एक्यूमुलेटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा आपका पैडल। ठीक है, ठीक है, उस पैडल को हम जब यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जिस टाइम पे हम पैडल यूज़ नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे नॉर्मली आपके जो क्लच हैं वो इंगेज रहेंगे। ठीक है, और वो जो इंगेज रहेगा किसके, देखिए ये इसके ऊपर प्रेशर बनाएगा, एक यहाँ पे पैडल रहेंगे वो प्रेशर बनाएगा, ये फ्लूइड प्रेशर होके कंट्रोल वाल्व में जाएंगे, इसके बाद कंट्रोल वाल्व से एक सिलेंडर रहेगा। अब इस सिलेंडर में ये क्या करेंगे, फ्लूइड प्रेशर बनाएंगे, और ये प्रेशर किस पे लगाएगा, क्लच के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, क्या होगा, क्लच आपका डिसइंगेज हो जाएगा। ठीक है, डिसइंगेज होते ही आपको जो गियर चेंजेस करने हैं वो गियर चेंज कर सकते हो, फिर उसके बाद जैसे ही आप पैडल से पैर हटाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंगेज हो जाएंगे, ये इनकी वर्किंग रहती है। ठीक है, अगर हम एक डायग्राम और देखें इसी का, कि अगर हम पैडल किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक चीज़ और देख सकते हैं इनके वर्किंग में। देखिए, हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। अब इस डायग्राम में हो क्या रहा है, देखिए यहाँ से सेम जो मैंने प्रोसेस बताया, यहाँ से क्लच पे क्या करेगा, क्लच पे आप
जो ड्राइवर है वो क्लच पे, अब ड्राइवर जो है यहाँ पे क्लच पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। पैडल जैसे ही प्रेस करेंगे वो क्या होगा, ये जो आपका मास्टर सिलेंडर है फोर्स उस पर लगेंगे, और यहाँ इसके जस्ट ऊपर क्या रहेगा, फ्लूड रिजर्वायर। अब ये क्या करें, यहाँ से फ्लूड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो प्रेशर लगाया किस पे, स्लैब सिलेंडर पे। अब स्लैब सिलेंडर क्या करेंगे, आपका जो स्लैब सिलेंडर है वो प्रेशर अप्लाई करेगा किसके ऊपर, यहाँ पे जो क्लच फोर्क है उसके ऊपर। अब क्लच फोर्क क्या करें, उसको पीछे, इसको पीछे की ओर दबाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आगे की ओर। इसको फॉरवर्ड दबाने के साथ ही देखिए, इसको जैसे ही इस साइड दबाएंगे, इसको जैसे प्रेशर यहाँ पे इसके पिस्टन रहेंगे, ये पिस्टन क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा, ये जो लीवर, जैसे ही ये आगे की ओर मूव करेंगे, आपका जो यहाँ पे जो इसका कनेक्शन है वो कनेक्शन हट जाएगा। डैट मीन्स आपका जो क्लच प्लेट है, दोनों क्लच प्लेट के बीच में डिफरेंस आ जाए, वो आगे मूव कर जाएंगे, और वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो क्लच है वो डिसइंगेज हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे हम यहाँ से पैडल हटाएंगे, यहाँ पे फोर्स लगना बंद हो जाएगा, और ये वापस अपने इंगेज पोजीशन में आ जाएंगे। यही सेम इसका वर्किंग है, ठीक है। जैसे आप देखिए, क्लच का जो आप देखते हो ऐसे ही रहता है। अब एक क्लच प्लेट ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब दोनों इस टाइप से रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इस पर फोर्स लगे, इस पर लगेगा, तो ये तो वापस रह जाएंगे, और जैसे ही वापस जाएंगे तो ये एक दूसरे के साथ, ये जो प्लेट्स, ये जो शाफ्ट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, ये प्लेट। और जैसे ही कनेक्ट होंगे ये इंगेज रहेंगे, और जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको बैकवर्ड खींच लेगा पीछे की ओर, और ये डिसइंगेज हो जाएंगे। इस टाइप से ये वर्क करेगा हाइड्रोलिक आपका क्लच। हम नेक्स्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इनके। देखिए, ये आपकी वर्किंग थी जो हमने कर लिया, अब इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक क्लच, फर्स्ट जो है आपका, इट इज़ फार इजियर टू पुश, इससे पुश करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है आपके, अदर किसी भी, अगर हम किसी भी क्लच की कंपेयर करें तो, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोलिक ऑपरेट होता है, तो ठीक है, थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं इजीली पुश होते हैं और वो ऑपरेट हो जाते हैं, डिसएंगेजिंग का वर्किंग इजीली हो जाता है। प्रोविडेंस ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, अब देखिए आप इसमें आपके पास आज़ादी, एक तरह से कह सकते हो आज़ादी रहती है कि आप डिफरेंट फ्लूइड्स यूज़ कर सकते हो इसमें ना। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लें, समटाइम्स ड्यू टू यूज़ ऑफ सिलिकन टाइप ऑफ फ्लूइड्स लीकेज कैन बी टेक प्लेस। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि ये जो हम फ्लूइड यूज़ कर लें, सिलिकन टाइप्स फ्लूइड यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे क्या होंगे, लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक तरह से डिसएडवांटेज हो जाते हैं। एंड इट कैन इम्पैक्ट ऑन सील्स। अब देखिए, जब इनको, ये जो सिलेंडर, उनको हम सिंपल सा है कि फ्लूइड, इसमें फ्लूइड हो रहा होगा, तो इसके अंदर हम जो सील्स अप्लाई करेंगे इसको कवर करने के लिए, ठीक है, सील करने के लिए, जैसे कभी कभी क्या होगा, ये जो फ्लूइड यूज़ करते हैं तो वो ये जो सील हमने किया वो लीक हो जाते हैं, ठीक है, और उस लीकेज की वजह से इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। डैट मीन्स आपके जो आप फ्लूइड यूज़ कर रहे हो उसका वेस्टेज हो जाता है समटाइम्स। डैट मीन्स ये भी एक तरह से डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।